नमस्कार, बीआरजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका की जुबेली बाग के पीछे जो जमीन मौजूद है, वहां पर व्यापारियों की ओर से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए आवाज उठाई गई है। जुबेली बाग के पीछे वडोदरा महानगर पालिका की जमीन मौजूद है, जिसे किराए पर व्यापारियों को दिया गया है, लेकिन व्यापारियों की ओर से बिना इजाजत वहां पर खुदाई की गई है और अवैध अतिक्रमण खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते इस मामले को लेकर विपक्ष की नेता अमीबेन रावत की ओर से आवाज़ उठाई गई है। दरअसल विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से ये आरोप लगाए गए है कि 25 लाख रुपये लेकर स्थायी समिति के एक सदस्य ने इस पूरे को अनदेखा किया है, क्योंकि अगर व्यापारियों की ओर से यहां पर अवैध तरीके से खुदाई की गई है तो फिर पालिका ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेता अमीबेन रावत की ओर से म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने की मांग की गई है। कोई भी गार्डन के ग्रीन स्पेस की जगह में कोई ने भी एनो जोन फेर करवानू के एने वेचवानो के हराजी करवानो कोई अधिकार ज नथी। आपने ख्याल छे कि 45 प्लॉट भारतीय जनता पार्टी ना उच्च मोटा मोटा नेताओं ने जे भाड़ा पट्टे फक्त डेवलप करवा आपेला, तेमा भी कोई कंस्ट्रक्शन नी एक्टिविटी थई तो भारतीय जनता पार्टी ना करंट बोर्डे मजबूरी में ए 45 प्लॉट परत लेवा पड़ा। एवा संजोग में कोई भी बाग में बांधकाम परवानगी आपवानो सवाल ज उभो नथी थतो। जे रीतना आजना छापाओं में अमे वाँच्यू छे के कोईक स्टेन्डिंग सभ्य आम 25 लाख रुपया भ्रष्टाचार करीने आ बाहेदारी आपी छे के आम कोई एक्शन ना लेवाय, तो आ बाबते तटस्थ तपास थवी जोईए। अने आऊ आ रीतनुं बांधकाम परवानगी कोईने आपवानी सत्ता नथी, त्यारे आजे बी गैरकायदेसर बंधायुं छे तेने तात्कालिक डिमोलिश करी आ बाबते ત્યાં ગાર્ડન રિસ્ટોર કરીને આનો જે બી ખર્ચો થાય તે જે તે દુકાનદારે આનામાં એન્ક્રોચમેન્ટ કર્યું હોય તેમની પાસે વસૂલીને દંડ લેવો જોઈએ, જેથી કરીને દાખલા રૂપે દંડ અને એફઆઈઆર બી થવી જોઈએ, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આ રીતના આ બાગ બગીચાઓને કોઈ નુકસાન ના પહોંચાડે। મેડમ, ત્યાં ખાડો ખોદવામાં આવે છે પરંતુ હજુ સુધી પાલિકા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી, શું કહે છે? આ બાબતે જે અમે રજૂઆત છાપાઓમાં વાંચી હતી, અગાઉ બી વાંચેલી, ત્યારે મેયરશ્રીએ સ્પષ્ટ નિવેદન આપેલું કે અમે આ બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરશું, પણ આજના છાપાઓ માધ્યમ અમને ખબર પડી છે કે હજી સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી, ત્યારે અમે પત્ર લખીને ડિમાન્ડ કરીએ છીએ કે તાત્કાલિક આ બાબતે કાર્યવાહી કરી અને જે બી સજાપાત્ર ગુનો છે એટલે જે દંડ અને સજાની કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેની તટસ્થ તપાસ થઈને કાર્યવાહી થવી જોઈએ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।